नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एशियन गेम्स हॉकी में भारत को गोल्ड मिला, पेरिस ओलंपिक का टिकट। भारत ने एशियाई खेलों की पुरुष हॉकी में अपने दबदबे के सिलसिले को बनाए रखकर चौथी बार खिताब जीतने का गौरव हासिल कर लिया। भारत ने फाइनल में जापान को 5-1 हराया। भारत इससे पहले 1966, 1998 और 2014 में भी एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता था। भारत की इस खिताबी जीत के खास मायने यह रहे कि उसने इस सफलता के साथ ही अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने का अधिकार हासिल कर लिया। भारत यदि स्वर्ण पदक नहीं जीत पाता तो उसे क्वालिफाइंग दौर से गुजरना पड़ता और यह राह आसान नहीं होती है। भारत को अब इस सफलता के बाद पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। अब वह क्रेग फुल्टोन की देखरेख में टोक्यो ओलंपिक में जीते तमगे का रंग बदलने के लिए जुट सकता है। ग्राहम रीड के समय से ही भारतीय टीम में यह बदलाव दिखने लगा था कि हमारे खिलाड़ी गोल अपने नाम दर्ज कराने के बजाय सर्किल में बेहतर पोजीशन में खड़े खिलाड़ी को गोल जमाने का मौका देने लगे हैं। क्रेग फुल्टोन के आने के बजाय इस क्षेत्र में और बेहतरी आई है। भारतीय टीम खेल के 25वें मिनट में शानदार गोल से आखिरकार बढ़त बनाने में सफल हो गई। दाहिने फ्लैंक से बने हमले में अभिषेक के प्रयास पर गोलकीपर ने पैड से गेंद क्लियर करने का प्रयास किया। सर्किल के टॉप पर खड़े मनप्रीत सिंह ने रिवर्स स्टिक से शानदार शॉट लेकर गोल भेद दिया। भारतीय टीम के बढ़त बनाने के बाद हमलों में तेजी आने लगी। दूसरी तरफ जापान ने भी पिछड़ने के बाद हमलों का जोर बांधना शुरू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।